हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल शिल्पा फैशन हाउस में। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए फिर से मीशो से बहुत ही चीपेस्ट सस्ते कुर्ते अंडर 300 में मैं कुर्ते लेके आई हूँ, पार्टी वेयर, फेस्टिव वेयर, डेली वेयर। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए। जो मेरा फर्स्ट कुर्ता है, फर्स्ट कुर्ता हम बहुत ही प्यारा पिक किया है मैंने। ये भी 200 के अंडर में ही होगा क्योंकि आज का हॉल ही है हमारा अंडर 300। तो जो फर्स्ट कुर्ता है वो कुछ मैंने इस टाइप का परचेस किया है, ये पूरा ये स्ट्रेट कुर्ता है। फर्स्ट आप खुद देखिए, ये मैंने डार्क बॉटल ग्रीन कलर का पिक करा है। इसमें 3-4 कलर ही थे बट मैंने डार्क बॉटल ग्रीन पिक करा है। इसमें मैंने एल साइज को पिक करा है। इसके फैब्रिक की बात करें तो ये पॉली क्रैप मटेरियल में आ रहा है और ये बिल्कुल भी ट्रांजी नहीं है। इसमें हमको 3-4 स्लीव्स आ रही है इस टाइप से। पूरा ही कुर्ता हमको स्ट्रेट कुर्ता मिल रहा है, साथ में राउंड नेक मिल रही है। कुर्ते पे ना डेली वेयर के हिसाब से इस टाइप के कुर्ते बहुत अच्छे रहते हैं, ऑफिस के लिए भी बहुत अच्छे रहते हैं। इसमें ना एल साइज मंगाया था तो मुझे परफेक्टली फिट आ रहा था। इसमें दोनों साइड से ना हमको साइड स्लिट प्रोवाइड हो रही है, इस टाइप से दोनों साइड से साइड स्लिट प्रोवाइड है। और जो आपको येल्लो कलर की, वाइट कलर की दिख रहा है चेक्स वाली, ये पूरा ही प्रिंट करके दिया है। तो कितना भी वॉश करिए बिल्कुल ही निकलने का चांस ही नहीं है। मेरी हाइट 5'4" तो मुझे हल्का सा नीचे था, मतलब मेरी नी लेंथ से हल्का सा नीचे था। और बैक साइड से सेम प्रिंट के साथ आ रहा है जो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप चाहे तो लाइनिंग डाल सकते हैं बट मैंने ट्राई ऑन हॉल में कोई भी लाइनिंग नहीं डाली है। और 200 रुपए में क्या चाहिए आपको। और इसका एग्जैक्ट प्राइस मैं आपको स्क्रीन पर शो कर दूंगी। और इसमें ना एक्सेल, डबल एक्सेल तक साइज अवेलेबल है, तो आप देख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट कुर्ते की साइड। ये कुछ मैंने बहुत ही प्यारा कलर है, फर्स्ट आप इसका कलर देखिए। ये कुछ ना बेबी पिंक कलर जो होता है उस कलर का कुर्ता पिक करा है, बहुत ही प्रीटी कुर्ता है। ये भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, आज का हॉल ही हमारा 300 का है। तो इसकी बात करें तो इसमें मैंने एल साइज को पिक किया। एल साइज में इसलिए पिक करती हूँ, कभी मान लीजिए हम थोड़े बहुत मोटे हो जाते हैं तो क्या होता है, एकदम टाइट ना हो तो मुझे क्या थोड़ा सा लूज ही पसंद है। तो ये मुझे परफेक्ट आ रहा था। तो इसमें राउंड नेक प्रोवाइड हो रहा है हमको। इसमें हमको 3-4 स्लीव है, इस टाइप से 3-4 स्लीव दिए दोनों साइड से। और ना इसका फुल ऑन कॉटन ब्लेंड मटेरियल है, आप खुद देखिए कितना प्यारा कॉटन फैब्रिक है। इसमें बहुत ही अच्छा कॉटन फैब्रिक आ रहा है। इसमें राउंड नेक दिया है, साथ में पूरे योक पोर्शन पे ना हमको बहुत ही प्यारी थ्रेड वर्क से एम्ब्रॉयडरी करके दिए, साथ में फॉइल मिरर को टक करके दिया। पूरा ही योक पोर्शन बहुत ही प्रिटी लग रहा है जिससे कुर्ता बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। इसको ना आप छोटे मोटे बर्थडे पार्टीज में, छोटी मोटी पार्टीज में ना फ्लर वाले प्लाजो स्कर्ट के साथ वेयर करेंगे तो बहुत ही मस्त लुक लगेगा। और पूरा ही कुर्ता है स्ट्रेट कुर्ता है। दोनों साइड से हमको साइड स्लिट प्रोवाइड हो रही है इस टाइप से। और ना ये बहुत ही थिक वाला कॉटन फैब्रिक है, आप खुद देखिए बहुत ही थिक वाला कॉटन फैब्रिक है। मैंने ट्राई ऑन हॉल में कोई भी लाइनिंग नहीं डाली है, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं बट मैंने कोई भी लाइनिंग नहीं डाली थी बिकॉज ये ट्रांजी नहीं हो रहा था। पूरा ही स्ट्रेट कुर्ता है, मेरी ना नी लेंथ से नीचे तक का था, मेरी हाइट 5'4" है। और बैक साइड से भी वही प्लेन मिल रहा है इस टाइप। इसमें ना पूरे ही 12 कलर है, मतलब 12 कलर है। अगर आपको ये कलर पसंद नहीं है तो आप कोई सा भी कलर पिक कर सकते हैं। इसका एग्जैक्ट प्राइस मैं आपको स्क्रीन पर शो कर दूंगी तो आप देख लीजिएगा। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, जल्दी जाइए ग्रैब कीजिए। और सारे ही ना कुर्ते के जो कोड होते हैं मीशो में, एक्चुअली में ना क्या कोड होते हैं, तो कोड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, तो प्लीज साथ में कलर भी देती हूँ, तो वो सर्च करके आप ना आराम से शॉपिंग कर सकते हैं। क्योंकि कई लोगों के मैसेजेस आते हैं कि हम किस टाइप से शॉपिंग करें, और मैंने साइज में मेंशन कर देती हूँ, मैं एल साइज का पिक करती हूँ, तो आप देख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कुर्ते की साइड, जो है बहुत ही प्रिटी। उसके साइड बढ़ने से पहले, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्रेस द लाइक बटन, बेल आइकन को भी हिट करना ना भूले। अगर आपको वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे हैं और इस टाइप के कई वीडियोस देखना चाहते हैं, और प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको हॉल वीडियोस कैसे लग रहे हैं, और कोई सजेशन हो तो वो भी मुझे दीजिएगा, तो मैं उस पे भी आपके लिए वीडियोस ला सकती हूं। तो जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट कुर्ते के साइड, जो है बहुत ही प्रीटी। ये कुछ एक मैंने ना येलो कलर पिक करा है क्योंकि कई सारे हमारे फेस्टिवल्स आते हैं, पूजा वूजा में भी हमें वेयर करना हो तो इस टाइप का ले सकते हैं। तो ये कुछ इस टाइप का है।
पूरा ही कुर्ता ना बहुत ही प्यारा येलो कलर जो होता है उस कलर का है, और बिल्कुल भी मतलब बोलते हैं ना चटक वाला येलो नहीं है। तो इसकी बात करें तो इसमें हमको राउंड नेक मिल रहा है, हल्का सा स्लिट दे रखा है उन्होंने हमको नेक पोर्शन पे, जो बहुत ही अच्छा लग रहा है। पूरे ही कुर्ते की जो आस्तीन की बात करें तो हमको 3/4 आस्तीन मिल रही है इस टाइप से, जो बहुत ही अच्छी लग रही है। इसमें भी मैंने ना एल साइज को पिक करा और राउंड नेक बहुत ही अच्छा लग रहा है इसका। इसका कलर बात करें तो इसमें ना 5-6 कलर थे, बट मैंने येलो कलर को पिक करा। आप देख लीजिएगा, अगर आपको ये कलर पसंद नहीं है तो दूसरा कोई भी कलर पिक कर सकते हैं। और हमको ना इस टाइप के 3 बटन्स भी लगा के दिए, ये वुडन बटन है जो बहुत ही स्मार्ट लुक दे रहे हैं। पूरा ही बहुत अच्छे से टक करके दिया है, और जो आपको ब्लू कलर का लीव्स की डिटेलिंग दिख रही है, ये पूरा ही प्रिंटेड है। बहुत ही अच्छा रबर प्रिंट से उन्होंने हमको ब्लू कलर की लीव्स की डिटेलिंग करके दी है। साथ में ना हमको थोड़ी कहीं कहीं ना बहुत ही अच्छी ब्राउन कलर की भी उन्होंने ना इस टाइप के प्रिंट करके दिए, जो पूरे कुर्ते पे बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसकी बात करें कुर्ते के फैब्रिक की तो ये फुल ऑन कॉटन ब्लेंड मटेरियल का आ रहा है। ये कुर्ते की लेंथ की बात करें तो ये मेरी नी लेंथ तक का था, ज्यादा नीचे नहीं था। मेरी हाइट 5'4" है। इसमें भी हमको दोनों साइड से साइड स्लिट प्रोवाइड हो रही है, इस टाइप से साइड स्लिट मिल रही है, साथ में बैक साइड से इस टाइप से सेम वही ब्लू लीव्स के साथ हमको डिटेलिंग करके दिए। इसका भी ना एग्जैक्ट प्राइस ना आपको स्क्रीन पर शो कर दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कुर्ते के साइड। उसके साइड बढ़ने से पहले, जो आज मैंने बहुत ही प्रिटी सी रेड कलर की कुर्ती पहन रखी है, इसका भी हॉल जा चुका है। ये मैंने मिंत्रा से परचेस करी थी, इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, तो वहां से आप चेकआउट कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कुर्ते के साइड। तो ये एक मैंने बहुत ही प्यारा कलर का पिक करा है। ये कुर्ता ना आप देखेंगे तो बोलेंगे ओ गॉड कितना प्रिटी है, सारे ही प्रिटी है, बट ये भी देखिए आप कुर्ता, ये बहुत ही प्यारा है कुर्ता। इस टाइप के प्रिंट के ना कुर्ते ना अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी चल रहे हैं, तो इतने कम बजट में इतना अच्छा कुर्ता मिल रहा है, क्या बात है। तो इसकी बात करें तो इसमें भी मैंने एल साइज को पिक करा है। ये भी फुल ऑन रेयन मटेरियल का मिल रहा है, बहुत ही प्यारा है। इसमें ना पूरे 11 कलर थे, बट मैंने कुछ व्हाइट और ऑरेंज प्रिंट पे इसको पिक करा है। तो इसकी बात करें तो हमको 3/4 स्लीव्स मिल रही है। इस टाइप के कुर्ते को ना आप अभी होली भी आने वाली है उसमें भी पहनेंगे ना तो बहुत अच्छे लगेंगे। तो इस टाइप की 3/4 स्लीव्स मिल रही है, इस टाइप से बहुत ही अच्छी 3/4 स्लीव्स मिल रही है। साथ में हमको ना मैटरिन नेक प्रोवाइड हो रहा है इस टाइप से, और जिसमें ना बहुत ही अच्छे ना वुडन वाले बटन्स लगा के दिए हमको, 4 वुडन के बटन लगा के दिए। फंक्शनल नहीं है, ऐसे ही शोपीस के लिए उन्होंने हमको वुडन बटन लगा के दिए हैं। साथ में पूरा ही कुर्ता स्ट्रेट कुर्ता है, और है ना इसका फील ही अलग है। जब मैंने इसको वेयर कराना था ना, ट्रस्ट मी गाइस, बहुत अच्छा था इसका फील, मुझे उतारने का मन ही नहीं हो रहा था। तो ये बहुत ही अच्छा व्हाइट और ऑरेंज कॉम्बिनेशन में मिल रहा है। साथ में पूरा ही कुर्ता स्ट्रेट कुर्ता है, मेरे कॉल्फ लेंथ से अच्छा खासे नीचे था, ज्यादा नीचे नहीं था। दोनों साइड से ना इस टाइप से साइड स्लिट प्रोवाइड हो रही है हमसे, इस टाइप से प्रोवाइड हो रही है, साथ में बैक साइड से कुछ इस टाइप से पूरा ही वही प्रिंट के साथ दिया, जो बहुत अच्छा लग रहा है। इसका ना रेयन फैब्रिक है, तो हल्का सा ट्रांजी हो सकता है, बहुत ही मतलब वाइट कलर पे, ऑफ वाइट कलर पे तो हल्का सा ट्रांजी हो सकता है। तो ट्राई ऑन हॉल में मैंने इसमें वाइट कलर की लाइनिंग डाली है, तो आप लाइनिंग डालेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। इसका भी एग्जैक्ट प्राइस मैं आपको स्क्रीन पर शो कर दूंगी, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कुर्ते के साइड, जो है बहुत ही अच्छा। ये भी ना कुछ मतलब आज आपके लिए ना मैं बहुत ही अच्छे मतलब इन सब कुर्ते को ना एक एक कुर्ते को कलेक्ट करना इतने कम प्राइस में, आप समझ सकते हैं कितना सर्च करना पड़ता है। इसलिए बेल आइकन को हिट करना ना भूले और सब्सक्राइब करना ना भूले। आप खुद देखिए कितना प्यारा कुर्ता है, ये कुछ मैंने इस टाइप का मंगाया है। ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है ये कुर्ता, बट बहुत ही अच्छा कुर्ता है। ये ना कुर्ते की बात करें तो इसका फुल ऑन कॉटन ब्लेंड मटेरियल आ रहा है। इसमें मैंने एल साइज को पिक करा, और ये बहुत ही प्यारा इलायची कलर होता है ना, लाइट इलायची कलर, उस कलर का कुर्ता है। पूरे ही कुर्ते पे ना 3/4 स्लीव्स की हमको आस्तीन दे रखी है। साथ में कुर्ते में हमको मैड्रिन नेक प्रोवाइड है, तो इसमें देखे तो मैड्रिन नेक है। साथ में हमको जो बटन्स दे रखे हैं इसमें ना, 2 बटन दे रखे हैं वुडन वाले, फंक्शनल है। हम इसको ना मतलब ये फंक्शनल है, आप एडजस्ट कर सकते हैं। और साथ में ना कुर्ते पे आपको दिख रहा होगा वाइट थ्रेड से, ये जो आपको वाइट वाइट लाइनिंग दिख रही है पूरा ही थ्रेड वर्क है,
पूरा ही थ्रेड से करके दी है और इतने कम प्राइस में इतना अच्छा कुर्ता मिल जाए तो क्या बात है। साथ में ये कुर्ता ना थोड़ा सा ए लाइन टाइप से कुर्ता है, तो ये मेरी ना काल्फ लेंथ से अच्छा खासा नीचे था। साथ में हमको दो पॉकेट्स प्रोवाइड करके दिए, इस टाइप से हमको पॉकेट्स भी दिए जो बहुत अच्छी लग रही है। नीचे साइड पे दोनों साइड पे हमको पॉकेट प्रोवाइड करिए। पूरा ही कुर्ता ए लाइन टाइप से, इस टाइप से इसमें कोई भी हमको कट प्रोवाइड नहीं आ रहा है। बैक साइड से भी सेम इस टाइप से। मुझे ना इस कुर्ते का ना कलर बहुत अच्छा लगा है। साथ में जो उन्होंने हमको व्हाइट कलर की लाइनिंग वाली डिटेलिंग करके दी है ना, पूरा एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ता है ये। कोई भी इसमें ना प्रिंट नहीं है जो वो आफ्टर वॉश निकलने का चांस हो। इसका एग्जैक्ट प्राइस मैं आपको स्क्रीन पर शो कर दूंगी तो देख लीजिएगा। और ये ना हल्का सा ना ट्रांजी हो सकता है, बिकॉज क्या होता है लाइट कलर में ट्रांजी होने का चांस होता है, तो इसमें आप लाइनिंग डालेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। मैंने भी ट्राई ऑन हॉल में लाइनिंग डाली है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कुर्ते के साइड। आज का हॉल ही हमारा अंडर 300 है। जो कुर्ता एक मैंने बांधनी प्रिंट पे मंगाया है जो बहुत ही अच्छा है। जो ब्लैक कलर को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं तो उनके ब्लैक लवर्स के लिए, और आप कुछ अपने वार्डरोब में एक ब्लैक कलर भी चाहते हैं तो ये कुछ मैंने इस टाइप का मंगाया है। मैंने उम्मीद नहीं करी थी ये अंडर 300 में इतनी अच्छी क्वालिटी का प्रोवाइड होगा, बट बहुत ही अच्छा हुआ है। इसमें ना ओनली 4 ही कलर थे बट मैंने ब्लैक कलर को पिक करा है, तो इसमें भी हमको 3-4 स्लीव्स मिल रही है इस टाइप से। और मैंने इसमें ना साइज ना एल मंगाया है, एल साइज को पिक करा है जो मुझे परफेक्टली आ रहा था। कॉटन फैब्रिक है, फुल ऑन 100% उन्होंने हमको कॉटन फैब्रिक का पूरा कुर्ता दे रखा है। कुर्ते ना हमको फ्रंट साइड से राउंड नेक का प्रोवाइड हो रहा है बट इसकी क्वालिटी बहुत ही मस्त है। कुर्ते में ना हमको राउंड नेक जो दे रखा है उस पे ना हल्की से सिल्वर कलर की ना जिगजैग वाली लेस लगा के दी है जो बहुत ज्यादा ही हाईलाइट हो रही है। साथ में हमको फ्रंट योग पोर्शन पे एक इस टाइप की स्ट्रिप लगा के दी है जिसमें वही सिल्वर कलर की लेस से उन्होंने डिटेलिंग करके दी है जो बहुत अच्छी लग रही है। पूरा ही कुर्ता है स्ट्रेट कुर्ता है, ये मेरी नी लेंथ तक आ रहा था। मेरी हाइट 5'4" है। दोनों साइड से हमको साइड स्लिट प्रोवाइड हो रही है, इस टाइप से दोनों साइड से साइड स्लिट प्रोवाइड हो रही है। साथ में ना बैक साइड से वही सेम हमें बांधनी प्रिंट के साथ मिल रहा है कुर्ता। और ये बांधनी प्रिंट जो करके दी है ना पूरा ही रबर प्रिंट है जो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत हाईलाइट भी हो रहा है। इसमें ना 3-4 कलर ऑप्शन है, अगर आपको ये कलर नहीं लेना तो कोई दूसरा भी ले सकते हैं। साथ में ये कुर्ता बिल्कुल भी ट्रांजी नहीं है और ट्राई ऑन हॉल में मैंने कोई भी लाइनिंग नहीं डाली है। इसका भी ना एग्जैक्ट प्राइस मैं आपको स्क्रीन पर शो कर दूंगी तो आप देख लीजिएगा। तो बताइएगा आज का हॉल आपको कैसा लगा है। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर।